तो दोस्तों, यहां आपके सामने स्क्रीन पर है एक फिगर, और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं इंट्रा यूट्राइन एडहेजन से रिलेटेड एक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एशरमैन्स सिंड्रोम। द नेम इज एशरमैन्स। इसमें होता क्या है, इंट्रा यूट्राइन अगर सैनेकी फॉर्मेशन हो जाए, जैसे यहां पर देखते हो आप लोग एडहेजन्स बने हुए हैं, यहां सारी जगहों पे इंट्रा यूट्राइन एडहेजन्स बने हुए, इनको हम बोलते हैं सैनेकी फॉर्मेशन। साइनेकी फॉर्मेशन। तो ऐसा जब भी होता है तो पेशेंट्स को इन साइनेकी फॉर्मेशन की वजह से हो जाता है अमिनोरिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस साइनेकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हुआ ही क्यों? तो सवाल जो होता है वो ये होता है कि ये साइनेकी फॉर्मेशन हुआ ही क्यों और रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एशरमैन सिंड्रोम का, विगोरस यूट्राइन क्यूरिटा। जैसे कि पेशेंट डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या हुआ, पेशेंट के जो क्यूरिटाज होना था वहां पर पेशेंट को लिटा दिया गया, और जो डॉक्टर थी लिटाने के बाद उसने क्यूरिटाज स्टार्ट किया अच्छे से, आप जानते हो, और विगोरस यूट्राइन क्यूरिटाज हुआ। और कब किया गया ये, पोस्ट पार्टम पीरियड में, पोस्ट पार्टम पीरियड, ठीक है, तो क्रिटाज हुआ पोस्टपार्टम पीरियड में, तो ये साइनेकी फॉर्मेशन के चांसेस हो गए दोबारा जब वो वापस जाएगी। तो कभी भी साइनेकी फॉर्मेशन हो सकता है, एडहेजन्स बन सकते हैं, एडहेजन्स बनेंगे एमिनोरिया हो जाएगा। तो इस तरह की घटना को, इस हादसे को हम लोग बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। ये तो मोस्ट कॉमन कॉज था, लेकिन इसके अलावा मायोमेक्टमी के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अदर कॉज जो होंगे, मैं यहां स्क्रीन पर लिख देता हूं, इसी फिगर के ऊपर लिख देता हूं, मैं इस फिगर के ऊपर अदर कॉज में जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो मैंने आपको बता दिया कि जो एशरमैन सिंड्रोम होगा दोस्तों वो होगा साइनेकी फॉर्मेशन की वजह से। और मैंने ये बताया जो साइनेकी फॉर्मेशन हो रहा है मोस्ट कॉमन कॉज जो है उसका विगोरस यूट्राइन क्यूरिटाज है, और मोस्ट पोस्टपार्टम पीरियड में। लेकिन मैंने ये कहा कि इसके अलावा भी कॉज हो सकते हैं, कुछ कॉज जो एशरमैन सिंड्रोम का फॉर्मेशन कर दें। तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक मायोमेक्टमी हो सकती है, इसकी वजह से साइनेकी फॉर्मेशन हो सकते हैं। सीजेरियन सेक्शन इसकी वजह से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में डेवलप हो सकते हैं साइनेकी। और एंडोमेट्राइटिस ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड होता है टीबी एंडोमेट्राइटिस। ये जो एशरमैन सिंड्रोम होता है, मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई वांट टू रिपीट अगेन, तो सारे स्टूडेंट्स अपने आप को यहां फोकस करके रखना कि मैं बता क्या रहा हूं एशरमैन सिंड्रोम के बारे में, कि इसकी वजह से अमिनोरिया होता है। अब वो क्यों होता है, तो सेकंड आंसर होगा इंट्रा यूट्राइन साइनेकी फॉर्मेशन, जैसा कि स्क्रीन पे इस फिगर्स में आप देख रहे हो यहां पर। फिर आपने पूछा कि सर इंट्रा यूट्राइन साइनेकी फॉर्मेशन हुआ ही क्यों, हमको ये तो बता दीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि सिंड्रोम, ये एशरमैन सिंड्रोम जो होगा विगोरस यूट्राइन क्यूरिटाज की वजह से, जो पोस्ट पार्टम पीरियड में हुआ। इसके अलावा जब आप कहोगे कि सर इसके सिवा क्या कॉज हो सकते हैं, तो कुछ और कॉज हो सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पे इस फिगर के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि मायोमेक्टमी हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन की वजह से आने वाले टाइम में साइनेकी फॉर्मेशन हो सकता है, और टीबी एंडोमेट्राइटिस की वजह से। इसका मैं एक रेडियोग्राफ भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक रेडियोग्राफ में आप देखोगे किस तरह से जब हम पता लगाते हैं तो एशरमैन सिंड्रोम रेडियोग्राफ में किस तरह से दिखता है। यहां देखो आप, ये पेल्विस रीजन का रेडियोग्राफ है, ठीक है ना, और यहां पर अगर आप ध्यान दोगे इस एरिया में पेल्विस रीजन का, तो यहां पर आपको साइनेकी फॉर्मेशन दिखाई देगा बाकायदा
एक मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया था, वहां बॉवेल की तरफ चला गया था, यहाँ ये एरिया है बेटा। तो अंदर देख रहे हो आप, ये स्टाइनी की फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं फंडस के नीचे, देख पा रहे हो आप या नहीं? तो ये रेडियोग्राफ से भी आपने देखा, और इससे पहले जो मैंने एक पिक्चर की फॉर्मेट में आपको दिखाया था कि किस तरह से अंदर यूट्रस के अंदर साइने की फॉर्मेशन हो रखा है, मैंने एनोटेशन बेटा भी ऑफ किया हुआ है। थोड़ी सी मैं इस जो बात आपको लेक्चर ले रहा हूं, मैंने एनोटेशन को ऑफ कर दिया है, तो अभी आप लोग स्क्रीन पे नहीं लिख पाते होंगे, अभी मैं ऑन कर दूंगा। पहले थोड़ा सा आप समझ लो, कंसेप्ट समझ लोगे तो बाद में आंसर भी कर पाओगे और क्वेश्चन भी मेरे से पूछ पाओगे, और आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब मैं ऑन स्पॉट दे ही देता हूं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले ये समझ लो, इस एशरमैन सिंड्रोम की वजह से अमिनोरिया हो रहा है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस अमिनोरिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज मैंने जैसा बताया साइनिक की फॉर्मेशन, और क्यों साइनिक की फॉर्मेशन, उसका भी मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा हुआ, आफ्टर पोस्टपार्टम जब विगोरस क्यूरिटाज होकर दे डॉक्टर, तब हो सकता है। अदर कॉज में हो सकता है कि मायोमेक्टमी हुई हो, सिजेरियन हुआ हो, टीबी एंड्रोमेट्राइटिस हो गई हो, तो हमने दोनों चीजें देखी। इस रेडियोग्राफ ने आपने देखा किस तरह से साइने की फॉर्मेशन हो रखा है यूट्रस के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किस तरह से आप इसका पता लगाओगे। तो एशरमैन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए एशरमैन सिंड्रोम मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसे, तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, आप कौन सी जांच लिखने के लिए बोलोगे जिससे पता लगाया जा सके। तो यूट्रस को देख लो ना भैया, यूट्रस के अंदर ही तो सारा कुछ हो रहा है, सिंपल सी बात है, सब कुछ यूट्रस के अंदर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, यूट्रस के अंदर झांक के देख लो। सवाल यह है यूट्रस के अंदर झांक के देख लो, आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, यूट्रस तो पेट के अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वहां कौन झांक सकता है। यस, वाया कैमरा, और कैमरे को हम बोलते हैं स्कोपी, और यूट्रस को हम बोलते हैं हिस्टीरो। तो नाम होगा इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का हिस्टीरोस्कोपी। तो हिस्टीरोस्कोपी कर लीजिए, आपको एशरमैन सिंड्रोम के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये कहोगे सर एक ही जांच मत बताइए, क्या पता हमारी पास जो हम एरिया में जहां रहते हैं वहां हिस्टीरोस्कोपी अवेलेबल ना हो, तो कोई दूसरी सर जांच भी बता दीजिए। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में आप नोट कर लीजिए, अदर इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे हम एशरमैन सिंड्रोम के लिए, अदर इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे एचएसजी। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर को क्या दिखेगा ऐसा जिसकी वजह से पता लग जाएगा एशरमैन सिंड्रोम का, तो जैसे हनी कूम्ब होता है ना, हनी कूम्ब वैसा अपीयरेंस दिखेगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि जब हम रेडियोग्राफ देखेंगे एचएसजी, तो शोज हनी कूम्ब अपीयरेंस, हनी कूम्ब अपीयरेंस। ये तो बात थी किस तरह से अमिनोरिया हुआ, सवाल का जवाब था एशरमैन सिंड्रोम। सेकंड पॉइंट था एशरमैन सिंड्रोम जो था क्यों हुआ, जवाब था साइनेकी फॉर्मेशन की वजह से। फिर सवाल डेवलप हुआ कितने कारण हो सकते हैं साइनेकी फॉर्मेशन हो जाती है यूट्रस के अंदर, जवाब था कि बहुत सारे। फिर सवाल हुआ मोस्ट कॉमन वाला बताइए ना, मैंने बोला कि मोस्ट कॉमन तो विगोरस यूट्राइन क्यूरिटाज इन पोस्टपार्टम पीरियड। एक स्टूडेंट बोलता है सर अदर कॉज, मैंने बताया मायोमेक्टमी की वजह से हो सकते हैं साइनिक की फॉर्मेशन, मैंने बताया सिजेरियन की वजह से हो सकता है साइनिक की फॉर्मेशन, मैंने बताया टीबी एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो सकता है। आवाजें आई सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, मैंने बोला हिस्टीरोस्कोपी, आपने पूछा फिर से अगर वो ना कराएं कोई और जांच, मैंने बताया एचएसजी, विच क्या शो होगा उसमें हनीकूम अपीयरेंस। अब सारी बातों का निचोड़ के इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो मैनेजमेंट को हम ऐसे लिखते हैं मैनेजमेंट, एक आंसर है हिस्टीरोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस, तो जो एडिजन बने हुए हैं उसको तोड़ दो ना, लाइसिस करवा दो, खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और हिस्टीरोस्कोपिक मतलब यूट्रस में झांकते हुए देखकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैमरे की मदद से हम एडियोजियोलाइसिस करेंगे, उसके बाद हम एक कॉपर टी को इंसर्ट कर देंगे, रीफॉर्मेशन ना हो,
क्योंकि खाली इलाज इतना करना कि जो पेशेंट है उसके साइने की फॉर्मेशन खत्म हो गए, साइने की जोते खत्म हो गए, आपने कहा जाओ हमने तो स्टीरोस्कोपिक एडियोलाइसिस कर दिए, तो अब आप ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो तो दोबारा भी बन सकते हैं, तो दोबारा कैसे रोकेंगे? तो द आंसर इज कि हम इंसर्शन करेंगे कॉपरटी का। क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट फ्री फॉर्मेशन ऑफ साइनेकी, और साथ में हम साइक्लिकल इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी उसको प्रोवाइड कराएंगे, ये होगा सबसे अच्छा मैनेजमेंट। तो मैं पॉइंट वाइज स्क्रीन पे लिख देता हूं। नंबर वन, पहला पॉइंट हम करेंगे मैनेजमेंट में हिस्टीरोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस, तो मैं लिख देता हूं हिस्टीरोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस। सेकेंड, इसके बाद क्या होगा? आप घर भेज देंगे, हम बाद में फॉलोड बाई, बाद में क्या करेंगे, कॉपर टी इंसर्ट कर देंगे, फॉलोड बाई कॉपर टी इंसर्शन। कॉपर टी इंसर्शन टू प्रिवेंट रिकरेंस, टू prevent recurrence. To prevent recurrence. ठीक है, तो टू प्रिवेंट रिकरेंस। तो ये था अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद पिक्चर एंड विद रेडियोग्राफ विद इन्वेस्टिगेशन विद मैनेजमेंट अबाउट एशरमैन सिंड्रोम।